ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं भिंड से तस्वीरें सामने आ रही हैं, भिंड जहां पर 5 सीटों पे 5 विधानसभा सीटें हैं और जहां पर सभी जो प्रत्याशी हैं उनको नजरबंद किया गया है, सब अपने घरों पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि 2018 में भी ऐसा ही हुआ था, जब जो प्रत्याशी है विधानसभा सीटों के कांग्रेस बसपा और बीजेपी के उनको हाउस अरेस्ट किया गया था। तस्वीरें देखिए, गोविंद सिंह लाहार से जो प्रत्याशी है कांग्रेस के प्रदेश, वो उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, अपने घर पर मौजूद है, पुलिस जो है वहां पर बैठी हुई है। और भिंड से ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं क्योंकि काफी चंबल देखा गया है, हमेशा से संवेदनशील इलाका रहता है, इस वजह से भी ये कदम उठाया जाता है। 2018 में भी यही किया गया था जब सभी प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया था, और इस समय भी भिंड से जो 5 सीटें हैं भिंड की, वहां पर ऐसा ही किया गया, चाहे भिंड विधानसभा हो, लाहार सीट हो, तो वहां पर ये कदम उठाया गया है। लाहार सीट की बात की जाए तो गोविंद सिंह यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वहीं बीजेपी प्रत्याशी जो हैं, बसपा के प्रत्याशी जो हैं, उन सभी को हाउस अरेस्ट किया गया है, नजरबंद किया गया है। भिंड विधानसभा में बसपा प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवा और कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी राकेश चतुर्वेदी ने आपत्ति जताई है, उन्होंने इसे भाजपा का षड्यंत्र बताया है। राकेश चतुर्वेदी का साफ कहना है कि उनके पास 16 नवंबर की शाम को ही रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से इस बात की सूचना आ गई थी। राष्ट्रीय दलों के सभी प्रत्याशियों को भिंड सर्किट हाउस पर सुबह से ही उपस्थित रहना होगा। भाजपा से वापस बसपा में शामिल होकर भिंड विधानसभा से चुनाव लड़ रहे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवा ने भी साफ तौर पर ऐसे भाजपा की मनमानी और प्रशासन पर साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से कहीं ना कहीं मतदान जो है प्रभावित होता है, क्योंकि उनके पोलिंग एजेंट्स का भी मनोबल टूटता है। वहीं उन्होंने भाजपा के लोगों पर बाहर रहकर मतदान प्रभावित करने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इस बार प्रशासन ने भिंड और सर्किट हाउस पर जगह कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, बसपा प्रत्याशी और विधायक संजीव सिंह कुशवा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवा को नजरबंद किया है। वहीं अटेर से प्रत्याशी और भाजपा के मंत्री अरविंद भदौरिया भी 17 बटालियन स्थित समर हाउस में नजरबंद है। इनके अलावा अटेर क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी हेमंत कटारे को भी प्रशासन के द्वारा बैठा दिया गया है। वहीं लाहार में भी बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों को पुलिस और प्रशासन ने नजरबंद किया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि भिंड और लाहार में सभी प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तनाव की आशंका के चलते ही इन सभी प्रत्याशियों को हाउस अरेस्ट किया गया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह है, लाहार सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी है, बसपा उम्मीदवार रसाल सिंह है, जिनको हाउस अरेस्ट किया गया है। भिंड में सुबह 9 बजे तक 9.74% तक मतदान हुआ है। मतदान का वोट प्रतिशत अभी काफी कम है और काफी संवेदनशील इलाका भी ये हो जाता है, इसीलिए भी हाउस अरेस्ट किया गया है। तनाव की आशंका के चलते ही इन प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया है। आपको बता दें कि सभी प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर बसपा ही क्यों ना हो। भिंड की 5 सीटें हैं जिन पर ये किया गया है। राकेश चतुर्वेदी का साफ कहना है कि उनके पास 16 नवंबर को ही शाम को रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से इस बात की सूचना आ गई थी। पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनसे अपडेट जान लेते हैं। तो देखिए, कुछ ही देर में धर्मेंद्र हमारे साथ हमारे जो संवाददाता हैं वो जुड़ेंगे। तब तक हम आपको बता दें कि जो तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे थे, गोविंद सिंह थे और प्रत्याशी थे जो अपने घरों पर बैठे हुए हैं, जिनको नजरबंद किया गया है। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ये मतदान के बीच ही चंबल अंचल के भिंड जिले से जो है बड़ी खबर आई है। भिंड जिले की 5 विधानसभा सीटों के सभी प्रत्याशियों को नजरबंद किया है पुलिस प्रशासन ने। बीजेपी कांग्रेस बसपा प्रत्याशियों को नजरबंद किया, जिनमें मंत्री से लेकर चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री और विधायक तक शामिल है। मध्य प्रदेश का चंबल इलाका हमेशा से ही संवेदनशील रहा है और यही वजह है कि चुनाव में भी प्रशासन शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है। इस बार भी 2018 की तरह ही विधानसभा चुनाव के चुनाव में जिले में सभी विधानसभाओं को राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशियों को नजरबंद कर लिया गया है। भिंड विधानसभा से बसपा प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवा है और कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी राकेश सिंह है, जिन्होंने इस पर आपत्ति जताई है और बीजेपी पर इसका आरोप लगाया है। बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उनके षड्यंत्र रचा है और हमें हाउस अरेस्ट किया गया है, इस वजह से वोटिंग प्रतिशत भी कम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक हैं उनका मनोबल टूटेगा। और वोटिंग प्रतिशत आपको बता दें कि भिंड में 9 बजे तक 9.27% ही वोटिंग हुई है अभी तक, तो वोटिंग प्रतिशत भी अभी काफी कम रहा है। वहीं प्रत्याशियों को जो है 9.74% मतदान अभी तक 9 बजे तक भिंड में देखने को मिला है और
सभी प्रत्याशी जो है वो हाउस अरेस्ट कर दिए गए। इस बार प्रशासन ने भिंड और सर्किट हाउस की जगह कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, बसपा प्रत्याशी और विधायक संजीव सिंह कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा को नजरबंद किया है। अटेर से प्रत्याशी और भाजपा के मंत्री अरविंद भदौरिया को 17 बटालियन स्थित समर हाउस में नजरबंद किया है। इसके अलावा अटेर क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे को भी प्रशासन के द्वारा घर पर बैठा दिया गया है। वहीं लाहौर में भी बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों को पुलिस और प्रशासन ने नजरबंद कर रखा है।